अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तुबा खिजर हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, अगर हमें कहीं जाना होता है या यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या ऑफिस से घर आना होता है तो हम कैब सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, ईजी होता है इसमें सफ़र करना, और आप बहुत सिक्योरली, सेफली, अगर आप अकेले ट्रैवल करती हैं तो आप अपने घर आराम से पहुंच जाती हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये मसला नहीं होता कि आपको बाहर जाना है घर से निकलकर और फिर आपको सवारी रोककर उसे बार्गेनिंग करनी है। आपकी जो राइड है वो आपके घर के बाहर आ जाएगी और आप बस सुकून से बैठकर उसमें अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। अब जो है यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, मगर एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसने आते के साथ ही अपनी जगह बहुत जल्दी और बहुत आसानी से बना ली। इस एप्लीकेशन का नाम है इन ड्राइवर। अच्छा, इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है पाकिस्तानी आवाम की ज़िंदगी से, क्योंकि अगर हमें भी कहीं जाना होता है तो हम घर से निकल कर सड़क तक आते हैं, सवारी रोकते हैं, किराया तय करते हैं और बार्गेनिंग करने के बाद फिर सवारी में बैठते हैं, और जब हम उतरते हैं सवारी से तो हम ये श्योर होते हैं कि जितनी बोली थी, जितना किराया बोला था उतना ही देना पड़ेगा। इन ड्राइवर में भी कुछ ऐसा ही है। आप लेकिन यहाँ पर ये सीन है कि आप घर बैठकर आप ड्राइवर से बात कर सकते हैं, अपना किराया तय करके आप जब उतरेंगे तो आपको उतने ही पैसे देने होंगे बनिस्बत दूसरी एप्लीकेशंस के, जहाँ पर आप ट्रैवल करने के बाद फिर आपको ड्राइवर बताता है कि आपका इतना फेयर बना है और आपको कोई आइडिया भी नहीं होता कि आप जब उतरेंगे उस जगह पर तो आपका फेयर कितना होगा। अच्छा, आज हम इस हवाले से आज के मुद्दे में बात क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये इतनी ज़्यादा सेफ और सिक्योर होती हैं, इसमें जो है कंपनी की जानिब से इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है और अश्योरिटी दी जाती है कि अगर आप हमारी राइड में बैठेंगे तो फिर आप सेफ हैं, सिक्योर हैं और बाहिफाजत आप अपने घर तक या अपने उस मकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप जाना चाहेंगे। तो बात कुछ यूं है कि इस्लामाबाद में एक वाकया पेश आता है, अगर मैं आपको सुनाऊं। खातून ने इन ड्राइवर एप्लीकेशन के थ्रू अपनी राइड बुक कराई, बाइक राइड, और उन्होंने सफ़र किया, मगर उन्हें क्या वाकया पेश आया, उन्होंने ट्विटर पर एक लंबा चौड़ा ट्विटर थ्रेड लिखा, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। तो भाई, इस्लामाबाद में ख़वातीन के खिलाफ जराइम के वाकयात में इजाफा देखने में आ रहा है। इन ड्राइवर सर्विस के राइडर की जानिब से खातून को मुबैना तौर पर हिरासानी का निशाना बनाया गया। खातून ने जो है वो अपने ट्विटर पर पूरी तवील थ्रेड के ज़रिए डिटेल्स दी हैं, और वो क्या कहती हैं। खातून का कहना है कि एक इंतहाई तकलीफ दह तजुर्बा हुआ और खुशकिस्मती से वो बच गई। उन्होंने अपनी नज़र चेक कराने और चश्मा बनवाने के लिए I-8 मरकज के लिए 2:49 पर इन ड्राइवर की मोटरसाइकिल राइड बुक करवाई। खातून का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा था जब इस मकाम पर पहुंचे, जहां पर फैसल एवेन्यू से बाहर निकलने के लिए चौरंगे का इंतखाब करना था, तो राइडर ने उस चौरंगे को छोड़ दिया। उन्हें लगा कि वो नेक्स्ट वाला जो भी करीब तरीन अखराज होगा वो चूज़ करेगा, लेकिन राइडर ने सफ़र जारी रखा। मगर जैसे ही उसने शक्कर पड़ी इंटरचेंज को भी नज़रअंदाज किया तो खातून को ये बात क्लिक हो गई और वह चौकन्ना हो गई कि ये कहाँ जा रहा है। तो जाहिर है जब हम भी कहीं जा रहे होते तो हमें भी रास्ते का इल्म होता है, तो जब राइडर ने दो करीब तरीन रास्तों को छोड़कर जब तीसरे को भी इग्नोर किया तो फिर खातून हैरान हो गई कि भाई ये क्या चल रहा है। खातून के मुताबिक राइडर ने जवाब दिया कि कहाँ जाना चाहती हो, तो मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया। जाहिर है जब ज़ोर से धक्का दिया तो फिर वो मोटरसाइकिल पे दोनों सवार थे तो वो बैलेंस बरकरार नहीं रख सका, तो उसने मोटरसाइकिल को आहिस्ता कर दिया। फिर खातून ने कहा कि मैं चलती हुई बाइक से उतरी तो उसने मुझे गूगल मैप को उल्टा कर दिखाया कि देखो भाई मैं सही जा रहा हूँ। जो होता है नॉर्मली जब आप देखते हो कि आप फंस जाते हो तो फिर आप लेम एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देते हो कि मैं तो सही जा रहा हूँ, मैं मैप के थ्रू जा रहा हूँ, मैप मुझे यहाँ लेकर जा रहा है, आपने गलत लोकेशन डाल दी, ये तमाम तर फजूल बातें करने लगी। खातून ने कहा कि खुशकिस्मती से सड़क की दूसरी जानब एक और मोटरसाइकिल सवार था जो खामोशी से सब कुछ देख रहा था। मैंने सड़क पार की और मदद की दरख्वास्त की, और फिर जो है ना उस खातून ने जो है उस मोटरसाइकिल सवार से मदद ली और वो अपने मकाम पर पहुंची, और वो जो राइडर था वो फरार हो गया। जब वो राइडर फरार हो गया तो खातून ने कहा मैंने घबराहट पर काबू पाकर अपना हौसला बरकरार रखा, और फिर जो है दूसरे मोटरसाइकिल सवार से दरख्वास्त की कि वो मुझे I-8 मरकज छोड़े ताकि मैं चीज़ों का पता लगा सकूँ। किस्मत अच्छी थी कि वो कम बेवकूफ़ था, वो बगैर रजिस्ट्रेशन के सब हेलमेट पहनकर गैर कानूनी तौर पर मोटरसाइकिल चला रहा था। ये देखें नाजरीन, ये ट्विस्ट है। खातून ने बताया कि दूसरे मोटरसाइकिल सवार ने मुझे I-8 छोड़ा और मैंने उसे नकद रकम बतौर सदका दी, और फिर जब मेरे होश बहाल हुए तो फिर मैंने दूसरी राइड बुक कराई और मैं घर पर गई। अच्छा, ये तमाम वाकयात तो हैं, हम ये देखते हैं कि हरासमेंट इज़ रियल, हरासमेंट होती है, हम इसे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि हमारे माशरे में ख़वातीन के साथ हैरेसमेंट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब ये खातून ने थ्रेड डाला तो लोग वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये कहने लगे कि भाई
क्या कहते हैं खातून थी तो उसने बाइक की राइड क्यों चूज की, वो कार ही चूज करती है और ये कोई सही बात नहीं है कि आप कार की राइड में आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पर ये बात भी है जो मैं ये कहना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि महीने का एंड चल रहा होता है या बजट आपका आउट हो रहा होता है, तो फिर आप बाइक राइड को बुक कर लेते हैं। और बाइक राइड को चूज करने में कोई गलत चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। आप अब तो ख़वातीन जो है वो बाइक राइड को चूज करती हैं क्योंकि वो आसान भी होता है और सस्ता भी पड़ता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है। तो अगर आप कोई ऐसी खातून है जो बहुत दूर दराज सफर कर रही है तो फिर आप ये सोचती हैं कि गाड़ी वाले को जो मैं फेयर दूंगी वो डबल हो जाएगा, इससे बेहतर है कि मैं बाइक चूज कर लूँ। तो बाइक चूज करने में कोई मजायका नहीं है। अगर खातून को मसला नहीं है तो फिर सार्फिन को क्या मसला है। तो ट्विटर पर उनके कमेंट्स में आके कह रहे हैं कि आपने बाइक क्यों चूज़ की, आपको कोई और चीज़ चूज़ करनी चाहिए थी। अगर कोई हैरेसमेंट होती है तो वो बाइक पर भी होती है और कार में भी हो सकती है, और कार में तो वो हैरेसमेंट का लेवल आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल तक का हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर ये चीज़ भी है कि खातून की जानिब से कहा गया कि जो लोग हेल्प करने के लिए आए तो उन्हें उन्होंने थोड़ा सा झड़पा, और ये एक चीज़ नॉर्मल है कि जब आपके साथ हैरेसमेंट हो जाती है तो आप हवास बाख्ता हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आती कि क्या हुआ है मेरे साथ। और उस दौरान अगर कोई मदद करने की नीयत से भी, अच्छी नीयत से भी आता है तो आपको वो लोग भी बहुत बुरे लग रहे होते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बंदा मेरे साथ ये हैरेसमेंट कर सकता है तो ये लोग भी कोई मेरे सगे तो हैं नहीं। तो जाहिर है आप उनको भी झड़पते हैं कि आपको क्या मसला है, मैं खुद मैनेज कर लूँगी, आप लोग जाएँ इस तरीके से। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको इतना ज़्यादा हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए कि खातून ने बाकियों को भी झड़पा और इस तरीके से वो बहुत बदतमीज थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ये बात भी अहम है, अगर मैं आपसे अपना वाक्य शेयर करूँ तो कुछ टाइम पहले मैंने भी एक राइड बुक की और जब मैं राइड में बैठने लगी तो राइडर ने मुझसे ये कहा कि भाई आपका जिस जगह से आप बैठ रहे हैं इस जगह से आपका घर थोड़ा सा दूर है, तो आप ऐसा करें कि आप राइड कैंसिल कर दें और फिर हम मैं आपको पहुँचा देता हूँ घर में। जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो जितना किराया बनता है आप उससे कुछ कम मुझे पैसे दे दीजिएगा, इससे आपका भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपका किराया कम लगेगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा कि भाई मुझे जो है ना वो पैसे जो कंपनी को देने पड़ते हैं वो सीधा सीधा मेरी जेब में जाएंगे। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक हुई कि नहीं, ये गलत है, अगर मैं अपनी यहाँ से राइड कैंसिल करके इसके साथ बैठ जाऊँगी तो कंपनी के किसी भी तरीके से किसी भी रिकॉर्ड में मेरा कोई नाम शामिल नहीं होगा कि मैंने यहाँ इस राइड में सफ़र किया है, या अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें मुझे फ्यूचर में कोई परेशानी का सामना करना पड़े तो कंपनी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो फिर मैंने राइडर से कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, और मैंने वो राइड कैंसिल करके दूसरी राइड ली। यहाँ पर ये जो जो ये जिम्मेदारी है और ये जो सोच है ये सबको नहीं आ सकती, अगर आप ये चीज़ देखें। उसके बाद मैंने कंपनी में जब कंप्लेन की तो कंपनी ने कहा कि ठीक है हम आपकी कंप्लेन को रजिस्टर कर रहे हैं लेकिन हम आपसे शेयर नहीं करेंगे इसकी तमाम तर मालूमात क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। तो भाई यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन जो ये काम कर रहे हैं कैब सर्विस जिनकी है, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है एटलीस्ट वो उस बंदे को तो बताएं जिसने कंप्लेन की है, उससे कॉन्फिडेंशियल ना रखा जाए, उसे बताएं कि उसने कंप्लेन की थी तो ड्राइवर के साथ क्या सलूक हुआ, क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है, और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात ना हो इसके लिए कंपनी क्या ऐसे इकदाम कर रही है। बहरहाल उस खातून से इन ड्राइवर ऐप ने ट्विटर के थ्रू रब्ता तो किया और डिटेल्स ली। अब देखते हैं कि इस मामले का क्या बनता है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कोई खातून इस तरीके की हैरेसमेंट का शिकार ना हो। अगर आप इस तरीके की हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं तो आप अपने वाकये को किसी भी मोतबर प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकती हैं और आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा और आपकी बात को सुना भी जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।